ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने लास्ट में फ्लावर की स्ट्रक्चर जो है वो आपको समझाई थी पूरी ड्रॉ करके। तो अब देखते हैं कि पॉलिनेशन किस तरह से होता है और उसके बाद में फर्टिलाइजेशन के लिए क्या क्या एडेप्टेशंस होंगे वो हम इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं पॉलिनेशन। अपना जो थर्ड चैप्टर है वो है पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। क्लियर है? तो यहां पर हम बात करेंगे पॉलिनेशन के बारे में। सबसे पहले पॉलिनेशन समझें क्या होता है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो फ्लावर होते हैं वो किस तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि एक लिंगी पुष्प, और सेकंड मैंने आपको बताया था बाईसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि द्विलिंगी पुष्प। देखिए, जो फ्लावर होता है उसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंड्रोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है गायनोशियम। अगर किसी फ्लावर के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों एक साथ एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको तो हम बोलेंगे बाईसेक्सुअल या एम्फीसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि उभयलिंगी पुष्प। ठीक है, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन में से कोई भी एक सेक्स ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होगा, या तो एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा या गायनोशियम प्रेजेंट होगा, यानी कि पुंकेसर या स्त्री केसर दोनों में से कोई भी एक सेक्स ऑर्गन फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है। अदर फ्लावर्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, बट सेम फ्लावर के अंदर जो है वो एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो सकता है, उसे हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, सेकंड चैप्टर के अंदर हमने बात कर ली थी पॉलन ग्रेन्स डेवलपमेंट, जो मेल गैमेटोफाइट है, पॉलन ग्रेन्स यानी कि जो माइक्रोस्पोर बने, माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन के लिए कहां जाएंगे? गायनोशियम के पास में जाएंगे, लेकिन गायनोशियम तक कैसे पहुंचते हैं? तो उसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनेशन, यानी के परागण, पॉलिनेशन यानी के परागण की क्रिया क्या होती है। सबसे पहले ये समझें कि पॉलन ग्रेन का पॉलन सेक से होकर के, यानी कि जो पॉलन ग्रेन है कहां डेवलप होंगे? पॉलन सेक के अंदर, एंथर के अंदर डेवलप होंगे। वहां से निकलकर अगर वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, गायनोशियम के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पॉलिनेशन कहा जाता है। यानी कि एक पुष्प के पराग कणों का पुंकेसर से मुक्त होकर उसी पुष्प या किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया जो है वो क्या कहलाती है? पॉलिनेशन कहलाती है। क्लियर है? यानी कि एक पुष्प के अंदर जो है वो पॉलन ग्रेन डेवलप्ड होंगे और वहां से निकलकर वे किसी सेम फ्लावर की स्टाइल पर भी जा सकते हैं या किसी अदर फ्लावर की जो है वो स्टिग्मा पर भी जो है वो पहुंच सकते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन, परागण की क्रिया। अब ये किस किस के द्वारा हो सकती है? बाय एयर हो सकता है पॉलिनेशन, बाय वाटर पॉलिनेशन हो सकता है, बाय एंटेमोफिली या कह सकते हैं कि इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, या कह सकते हैं कि बैट के थ्रू हो सकता है। आगे हम बात करेंगे चमगादड़ भी जो है वो पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है, और किसके थ्रू हो सकता है? बर्ड्स के थ्रू हो सकता है। तो इन सब के थ्रू जो है वो पॉलन ग्रेन जो है वो मेल सेक्सुअल पार्ट से होकर के फीमेल सेक्सुअल पार्ट तक पहुंचते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलिनेशन आर ऑफ टू टाइप, यानी कि परागण की जो क्रिया है वह दो प्रकार से होती है। सबसे पहले है सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्व परागण, और सेकेंड टाइप है इसका क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण। ठीक है, पॉलिनेशन की जो एक्टिविटी है वो दो तरह से होगी, सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहले समझें सेल्फ पॉलिनेशन क्या है। देखिए, जब पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर
की स्टिग्मा पर या उसी प्लांट पर प्रेजेंट किसी फ्लावर की स्टिग्मा पर अगर ट्रांसफर होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। लाइक एस आप देखेंगे कि ये एक प्लांट है, यहां पर बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं, ये फ्लावर लगे हुए हैं, इसी फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो सकता है या इस फ्लावर से निकल करके इस प्लांट के किसी अदर फ्लावर पर भी जो है वो पॉलिनेशन हो सकता है, तो उसे कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, स्व परागण की क्रिया कहा जाता है। अब ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है ये भी दो तरीके से होता है, फर्स्ट ऑटोगेमी यानी के स्वयुग्मन और सेकंड है जेटेनोगेमी यानी के सजात पुष्पी परागण। जेटेनोगेमी पॉलिनेशन हो सकता है या इसे सजात पुष्पी परागण भी कहा जाता है। क्या होता है देखिए, सबसे पहले ऑटोगेमी यानी के जो स्वयुग्मन है ये किस तरह से होता है। स्वयुग्मन का मतलब क्या है, अगर पोलन ग्रेन सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर ही ट्रांसफर होते हैं तो उसे कहा जाता है ऑटोगेमी। यानी के देख लीजिए कि यहां पर हमारे पास में एक सिंगल फ्लावर है, सिंगल फ्लावर प्रेजेंट है, इसी फ्लावर की स्टिग्मा पर अगर पोलन इसी के पोलन ग्रेन अगर ट्रांसफर होते हैं तो इसे कहा जाता है ऑटोगेमी यानी के स्वयुग्मन कहा जाता है। पी प्लांट के अंदर, मटर के पौधे के अंदर जो है वो इस तरह से स्वयुग्मन हो सकता है, ठीक है, सेल पॉलिनेशन का एक टाइप है। तो एक ही पुष्प के परागगण उसी पुष्प की स्टिग्मा पर वर्तिका पर जो है वो ट्रांसफर होते हैं तो उसे कहा जाता है ऑटोगेमी। और सेकंड है आपके जेटेनोगेमी यानी के सजात पुष्पी परागगण, एक पुष्प के परागगण उसी पौधे पर किसी दूसरे पुष्प के ऊपर जो है वो स्थानांतरित होते हैं, यानी कि प्लांट सेम होगा बट फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट होंगे। यहां पर एक ही फ्लावर होगा यानी कि सेम फ्लावर पर जो है वो ट्रांसफर होते हैं, यहां पर प्लांट सेम है बट फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो इसे कहा जाता है जेटेनोगेमी। क्लियर है, ये जो पूरा प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। यानी कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर स्थित किसी दूसरी वर्तिकाग्र पर अगर स्थानांतरित होते हैं तो इसे कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि पौधों के अंदर कुछ ऐसे एडेप्टेशन प्रेजेंट होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए रिक्वायर होते हैं, मतलब कंपल्सरी होते हैं, यानी कि इनके बिना जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। क्या है वो एडेप्टेशन, सबसे पहला है बाइसेक्सुअलिटी, यानी कि जो फ्लावर होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर होने चाहिए। अभी मैंने आपको फ्लावर्स के टाइप बताए हैं, वीडियो स्टार्ट करते ही मैंने सबसे पहले आपको फ्लावर्स के टाइप बताए, टू टाइप्स के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर है, तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सबसे पहली शर्त क्या है, फ्लावर जो है वो कैसे होने चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर होने चाहिए। अगर द्विलिंगी पुष्प है तो उनके अंदर इजीली जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, ऑटोगेमी हो सकती है उनके अंदर, यानी कि स्वयुग्मन की जो क्रिया है वो आसानी से हो सकती है। एग्जाम्पल मिलेगा आपको पी प्लांट के अंदर, मटर के पौधे के अंदर जो है वो इस तरह के फ्लावर मिलते हैं, मटर के पौधे के अंदर जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। सेकंड होमोगेनी यानी के समकाल पक्वता, क्या है होमोगेमी, देखिए फ्लावर के अंदर दो सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, अगर दोनों एक साथ मैच्योर होते हैं यानी कि स्टमन एंड स्टाइल दोनों अगर एक साथ में अगर मैच्योर होते हैं तो इसे कहा जाता है होमोगेमी यानी कि समकाल पक्वता कहा जाता है। देखिए मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर इनके मैच्योरेशन पीरियड के अंदर डिफरेंस होगा यानी कि दोनों कह सकते हैं कि अलग अलग टाइम पर मैच्योर होंगे तो ऐसे में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। क्लियर है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन का जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, किसके लिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। एग्जांपल मिलेगा आपको मिराबिलिस के अंदर,
जो मिराबिलिस जलापा का प्लांट होता है इसके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर एंड्रोसियम और गाइनोसियम इनका मैच्योरेशन टाइम क्या होता है, सेम होता है। थर्ड कंडीशन क्या है, क्लिस्टोगैमी यानी कि अनुन्मिलता। क्या है क्लिस्टोगैमी, देखिए कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, यानी कि वे फ्लावर कभी भी खुलते नहीं हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि जब फ्लावर ओपन ही नहीं होंगे तो सीधे उनके अंदर क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, यानी कि उन्हीं फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर जो है वो ट्रांसफर होंगे, बिकॉज फ्लावर तो जो है वो एवरी टाइम क्लोज होंगे, इससे जो है वो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो उसी के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के ऊपर जो है वो ट्रांसफर होंगे। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन के लिए 3 स्पेशल कंडीशन है, एक तो बाइसेक्सुअलिटी होना जरूरी है, यानी कि फ्लावर जो है वो द्विलिंगी होने चाहिए तब ही जो है वो उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। सेकंड, होमोगैमी होनी चाहिए यानी कि दोनों सेक्स ऑर्गन सेम टाइम मैच्योर होने चाहिए, ठीक है। और थर्ड है क्लिस्टोगैमी यानी कि अनुन्मिलता। क्लिस्टोगैमी का मतलब आपको समझ में आ गया, जो फ्लावर होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, कभी भी ओपन नहीं होते हैं, तो ऐसे फ्लावर्स के अंदर जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। तो आपको क्लिस्टोगैमी का एग्जाम्पल मिलेगा जंक्शन जनकस एंड ड्रोसेरा, इन फ्लावर के अंदर जो है वो ये जो फ्लावर है वो कभी भी ओपन नहीं होते हैं, तो इनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ही प्रेजेंट होता है, क्लियर है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन के एंड एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस का मतलब क्या है, यहां पर फ्लावर भी डिफरेंट होगा और प्लांट भी डिफरेंट होगा, क्लियर है। फ्लावर और प्लांट दोनों डिफरेंट होते हैं बट स्पीसीज क्या होगी, सेम होगी। लाइक एज हमारे पास में ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर प्लांट है, लाइक एज पी प्लांट हो सकता है, एक दूसरा प्लांट और हो सकता है पी सेम स्पीसीज का, तो इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन अदर प्लांट के फ्लावर पर स्टिग्मा पर जो है वो ट्रांसफर होते हैं, तो इस पॉलिनेशन टाइप को बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन, या इसे जेनोगैमी भी कहा जाता है, सजात परागण। सजात परागण कहा जाता है, उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के ऊपर जो है वो परागण होगा, यानी कि स्पीसीज सेम होगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण की क्रिया। अब इसके लिए क्या क्या एडेप्टेशन होंगे, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से एडेप्टेशन प्रेजेंट होते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी। देखिए दोनों के अंदर आपको डिफरेंस भी मिल सकता है, क्वेश्चन के अंदर आपको डिफरेंस पूछ लिया गया, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए फ्लावर यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, एक लिंगी पुष्प होंगे तब ही जाकर के उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो उसके अंदर जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो ऑब्वियसली उनके अंदर जो है क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है, उसके लिए डाइकोगैमी यानी कि भिन्न काल पक्वता, जो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन है दोनों का मैच्योरेशन टाइम क्या होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। अगर सेम मैच्योरेशन टाइम होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि जो पुंकेसर है और जो स्त्री केसर है दोनों का मैच्योरेशन टाइम जो है वो क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल भी है और उनके अंदर डाइकोगैमी प्रेजेंट है तो भी उनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, क्लियर है। ये स्पेशल कंडीशन है, यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा ही, लेकिन अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है और डाइकोगैमी प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन में भी उन फ्लावर के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। अब डाइकोगैमी जो है वो दो प्रकार से होती है, फर्स्ट प्रोटेंड्री एंड प्रोटोजेनी।
क्लियर है, यानी कि पुम पूर्वता और स्त्री पूर्वता। देखिए दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, प्रोटेंड्री का मतलब क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन से पहले मैच्योर हो जाता है, यानी कि जो स्टमन है वो स्टिग्मा से पहले मैच्योर हो जाता है, स्टाइल से पहले मैच्योर हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है प्रोटेंड्री। लाइक एज सालविया फ्लावर है, कॉटन फ्लावर है, इनके अंदर जो है वो प्रोटेंड्री प्रेजेंट होती है, यानी कि जो एंड्रोसियम है वो गाइनोसियम से पहले मैच्योर हो जाता है। तो जब गाइनोसियम से पहले मैच्योर हो जाएगा तो वो गाइनोसियम तो जो है वो पॉलिनेशन के लिए तैयार नहीं है, तो वहां पर पॉलिनेशन हो नहीं सकता, तो अदर किसी फ्लावर पर जो है पॉलिनेशन होगा। सेकंड है प्रोटोजेनी, यानी कि स्त्री पूर्वता, यहां पर गाइनोसियम जो है वो एंड्रोसियम से पहले डेवलप्ड हो जाती है, यानी कि जो स्त्री केसर है वह पुंग केसर से, पुमंग से पहले जो है वो विकसित हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है पॉलन ग्रेन जो है वो कह सकते हैं अदर फ्लावर के ऊपर ही जो है वो ट्रांसफर होंगे, तो इसे कहा जाता है प्रोटोजेनी। इसके एग्जांपल मिलेंगे आपको एरिस्टोलोकिया और ब्रैसिकेसी फैमिलीज के जो फ्लावर होंगे उनके अंदर आपको प्रोटोजेनी मिलती है, यानी कि स्त्री केसर जो है वो पुंग केसर से पहले डेवलप्ड हो जाती है। फिर थर्ड कंडीशन क्या है, सेल्फ स्टरिलिटी, सेल्फ स्टरिलिटी यानी कि स्वबंध्यता। आप देखेंगे कुछ जेनेटिकल बैरियर्स के कारण कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें जेनेटिकली बैरियर्स के कारण जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल समझे, हमारे पास में ये एक फ्लावर है, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है, बट इन दोनों के बीच में जो है वो जेनेटिकल बैरियर्स प्रेजेंट है, यानी कि इस फ्लावर की जो स्टिग्मा है वो सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स को एडेप्ट नहीं कर सकती है, ऑकर्स नहीं कर सकती है, बिकॉज उनके बीच में जेनेटिकल बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये फ्लावर क्या हो गया, ये सेल्फ स्टरिलिटी फ्लावर हो गया, यानी कि इस पुष्प के अंदर स्वबंध्यता क्या होती है, उपस्थित होती है। जैसे कि वाइटिस यानी कि अंगूर के अंदर आपको मिलेगा, मेलस यानी कि एप्पल के अंदर जो है वो आपको इस तरह के फ्लावर्स मिलेंगे, बिकॉज इनके अंदर सेल्फ स्टरिलिटी प्रेजेंट होती है। तो इनके अंदर पॉलिनेशन कैसे होगा, इन फ्लावर्स के जो पॉलन ग्रेन्स है वो उसी स्पीसीज के किसी अदर फ्लावर्स पर जो है क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, पॉलिनेट होंगे, तो उसे कहा जाता है सेल्फ स्टरिलिटी। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन है हर्कोगैमी, यानी कि अवरुद्ध परागणता। देखिए यहां तो जेनेटिकल बैरियर्स था, कुछ ऐसे भी रीजंस हो सकते हैं, नेचुरल रीजंस हो सकते हैं जिनके कारण उनकी जो स्टिग्मा है वो क्या हो सकती है, पॉलन ग्रेन को एडेप्ट नहीं कर सकती है। लाइक इज ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि कुछ फ्लावर्स के अंदर जो स्टमन की लेंथ है वो स्टाइल की लेंथ के कंपैरेटिवली क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, यानी कि पुमंग की लंबाई जो है वो स्त्री केसर की लंबाई से ज्यादा होगी, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस स्टमन के जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो उस फ्लावर की स्टिग्मा पर जो है वो ट्रांसफर नहीं होंगे, बिकॉज ये नेचुरल बैरियर हो गया। कुछ फ्लावर ऐसे होंगे जिनके अंदर स्टमन छोटा होगा, यानी कि पुंग के सर छोटे होंगे, वर्तिका जो है वो लंबी होगी, स्टिग्मा लंबी हो सकती है, इसके कारण जो है वो उनके अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकते पॉलन ग्रेन। तो सेम हाइट के जो कह सकते हैं कि फ्लावर्स होंगे उनके अंदर ही जो है वो ये पॉलिनेशन हो सकता है। लाइक एज आप देखेंगे कैरियोफिलेसी फैमिली के जो फ्लावर होते हैं, यानी कि जो कैरियोफिलेसी प्लांट के फ्लावर होंगे इनके अंदर क्या मिलेंगे आपको, स्टमन की लंबाई ज्यादा मिलेगी और जो स्टाइल होती है उसकी लंबाई जो है वो क्या होती है, कम होती है, जबकि इसके अंदर क्या होगा, लंबे स्टमन के जो पॉलन ग्रेन होंगे वो लंबी स्टाइल पर ही ट्रांसफर होंगे और छोटे स्टमन के जो पॉलन ग्रेन होंगे वो छोटी स्टाइल पर ही क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो हर्कोगैमी का मतलब क्या हो गया, नेचुरली बैरियर्स प्रेजेंट होंगे तो वहां पर जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, वहां क्रॉस पॉलिनेशन ही प्रेजेंट होगा। लाइक एज कैरियोफिलेसी के अंदर तो क्या हो गया, स्टमन और स्टाइल की लेंथ में डिफरेंस है, जबकि ग्लोरियोसा के अंदर आप नेचुरल बैरियर क्या देखेंगे, ग्लोरियोसा के अंदर जो एंथर वॉल होती है वो इस तरह से रेप्चर होती है कि उसके पॉलन ग्रेन जो है वो दूर जा करके गिर जाते हैं, यानी कि उस फ्लावर की स्टिग्मा पर नहीं गिरेंगे,
जबकि उसका जो रैप्चर है यानी कि पराग कोष का जो स्फुटन है वो इस तरह से होता है कि पॉलन ग्रेन उछल करके दूर जा करके गिर जाएंगे, उस फ्लावर के ऊपर नहीं गिरेंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो वहां पर फिर से क्रॉस पॉलिनेशन ही प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट कंडीशन आती है हेटेरोस्टाइल्स यानी कि विषम वर्तिकात्व, वही चीज, ऐसे फ्लावर जिनके अंदर स्टमन लंबा होगा, स्टाइल छोटी होगी, या स्टाइल लंबी होगी, स्टमन छोटा होता है, तो इसे कहा जाता है विषम वर्तिकात्व यानी कि हेटेरोस्टाइल्स कहा जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग फ्लावर जो है वो टू टाइप्स के प्रेजेंट होंगे, एक तो होंगे पिनोइड फ्लावर्स और सेकंड होंगे थ्रमोइड फ्लावर्स। पिनोइड फ्लावर्स क्या होते हैं, जिनमें स्टमन लंबा होगा और स्टाइल छोटी होगी, ऐसे फ्लावर्स को कहा जाता है पिनोइड फ्लावर्स, क्लियर है। और थ्रमोइड फ्लावर्स जिसके अंदर क्या होगा, स्टाइल लंबी होगी और स्टमन छोटे होंगे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो फ्लावर्स को कहते हैं थ्रमोइड फ्लावर। अब इन फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, लंबी स्टाइल स्टमन्स के जो पॉलन ग्रेन होंगे वो लंबी स्टाइल पर ही ट्रांसफर होंगे, और छोटे स्टमन्स के जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो छोटी स्टाइल पर ही क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ये जो आपने पूरा प्रोसेस देखा है वो प्रोसेस है आपका पॉलिनेशन, यानी कि जो पॉलिनेशन परागण की क्रिया है वो क्या होती है।